आदरणीय कन्हुभाई टेलर हमारे सूरत में वो नाम है कि जिसको प्रत्येक सूरती बड़े आदर से ले रहा है। उसकी वजह भी है, कन्हुभाई वो सूरती है जिसने खुद अपने आप को तकलीफ में पाया, उसके बाद न हिम्मत हारी न हौसला गवाया, खुद संभले, खुद अपने आप मजबूत मनोबल के साथ खड़े हुए और उसके बाद भी रुके नहीं। उन्होंने तय किया कि मेरे जैसे कई लोग होंगे जिसे मेरे जैसी ही कोई तकलीफ होगी, चलो उनको भी मेरी तरह अपने पैरों पे खड़े किया जाए, मजबूत बनाया जाए। और मैं कम से कम 20 साल से तो उनकी एक्टिविटीज़ का साक्षी रहा हूँ, खुद पहले अपने आप बाद में अपनी टीम बना के हमेशा हमेशा के लिए स्पेशली चैलेंज पीपल के लिए बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। उनका एजुकेशन हो, उनकी मेडिकल एड हो, उनका रहने खाने पीने का या कोई भी काम हो, उसमें पूरे मन के साथ उन्होंने कोशिश की है और वो कोशिश आज इस मुकाम पर पहुंची है, इतनी रंग लाई है कि आज कम से कम पूरे साउथ गुजरात में हम जो देख रहे हैं वो संस्था तैयार हुई है। यहाँ तैयार होके कम नहीं, कम से कम 15,000 से ज़्यादा स्पेशली चैलेंज लोग अपने पैरों पे खड़े होने जैसे सक्षम हुए, अपनी ज़िंदगी में वो सेटल हुए। कनुभाई जी की ये सारी एक्टिविटी इनिशियल स्टेज से शुरू करके यहाँ इस भवन तक आई है, उसमें उनकी ये काबिलियत थी कि सूरत से लेके दिल्ली तक सारे लोगों को वो यहाँ ला चुके हैं। फिर वो हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे और कोई बड़े से बड़े लीडर हो, उनको भी यहाँ बुला के अपनी एक्टिविटी दिखा के उनसे भी सहकार प्राप्त किया है। और भारत सरकार ने भी उनकी सेवाओं की यथोचित कदर करते हुए उनको सर्वोच्च सिविलियन सम्मान में से एक पद्मश्री से विभूषित करके पद्मश्री को शोभायमान किया है। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरे सूरत में अगर कनुबाई है तो मेरा सूरत भी गौरवान्वित है और हम उनके ऊपर फख्र महसूस करते हैं। अगर इनका जज्बा है, ऐसे जज्बे के साथ सब लोग काम करें तो क्या नहीं कर सकते। स्पेशली चैलेंज लोग की जो कोई भी मुश्किल है उसके लिए हमेशा मैंने उनको जूझते हुए देखा है, और ऐसे जज्बे के साथ जूझने वाले लोग हमारे लिए बड़े ही सम्माननीय होते हैं। उनके कोई काम में अगर हम हाथ बटा पाए तो हम हमारे खुद को खुशनसीब समझते हैं। धन्यवाद।